ऐसे बेहतरीन और धमाकेदार बॉलीवुड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी हब को और बेल आइकन को दबाएं। हाय हैंडसम। क्या क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ? तकलीफ मुझे नहीं, इसे है, मेरी बाइक को। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया कि आप आसपास ही हो। देखिए ना, खराब हो गई। क्या आप मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? एक मिनट। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी बीमारी कुछ खास है। मैं भी खास बीमारियों का ही इलाज करता हूं। हाँ, एक मिनट। थैंक यू। खुद को इतना बड़ा खिलाड़ी समझते हो? हाँ, फिर निकाल दिया ना मेरे मुंह से। अरे तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मौके मिलते ही नहीं हो। मुझे तो ये कोई त्रिकोण प्रेम कहानी की रचना लग रही है। क्यों चुपचाप बैठने तो बाहर सेट दो। अरे नहीं 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 नहीं, बीएम की लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर, ये बात तो कुछ समझ में आई, मगर ये नई लड़की कौन है? मुझे माफ कर भाई। अरे, 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 अरे। सवाल अच्छा किया तूने, कभी कभी अकल की बात करता है। वैसे वो लड़की कैसी लगी? अरे यार, लड़कियां तो मुझे सारी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये खूबसूरती के समंदर में मुसीबत का सैलाब भी छिपा होता है। उस लड़की का पता लगाना होगा। संभालने के इरादे हैं किसके? ओह माय गॉड, आप क्यों भीग गए? आपके खातिर
पहली बार मालूम पड़ा कि कभी कभी गिरना भी फायदेमंद होता है। बड़े रोमांटिक बन रहे हो। इस मामले में बिल्कुल वैसा हूं। मतलब अब देखिए, आपको देखकर लग रहा है कि जमाना कहां पहुंच रहा है। क्या रफ्तार पकड़ी हुई आपने। मैं कुछ ज्यादा बकबक कर रहा हूं। आपके कपड़े उतारने हाँ? मेरा मतलब है बदलने हैं। एक्सक्यूज मी। लो ये पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो, मैं लॉन्ड्री से प्रेस करवा के लाता हूं। थैंक्स। मैं बस अभी क्या अभी आया। इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट अजय है। यही तो मैं चाहता था। अब इस परिंदे को और उड़ने की आजादी नहीं देनी चाहिए। क्या करना चाहिए उसका। आपके कपड़े। थैंक यू। आप शक्कर कितना लेती हैं? एक। अब मिलना मिलाना तो बहुत हो गया, कुछ समझना समझाना होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? आपका मतलब यह है कि हमारे बीच दूरियां नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक समझा आपने। थैंक यू। बट मिस्टर अजय, दिल के तारों को छेड़ने के लिए एक वक्त होता है, एक माहौल होता है। पर ये सब एक साथ कहां मिलेगा? मिल सकता है। आप आज शाम मेरे घर आ जाइए, डिनर साथ करेंगे। आपने बुलाया, हम जरूर आएंगे। गुड।
पहचाना नहीं? मैं हूँ, आप ही ने तो मुझे इनवाइट किया था। वो नहीं, नहीं, वो क्या है कि मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। आपकी शक्ल देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ। नहीं, आप तो खास मेहमान हैं। ओ, तो आप शायद इसलिए हैरान हैं कि आपको वो बात याद आई होगी जब आप मुझसे टकराई थी और भीगी हुई मेरे कमरे में आई थी, और आज मैं किसी से टकरा कर भीगा हुआ यहाँ आपके घर पे। What a coincidence! आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे और कभी पहाड़ ऊंट के नीचे, यही था ना? मैं अंदर आऊं? आइए। लगता है कत्ल करने का इरादा है। जी, कुछ और देर ऐसे खड़ा रहा तो सर्दी से मर जाऊंगा। मैं तो भूल ही गई। ये लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बाथरूम बाहर है। ओके। साथी है। मैं टाइसन को भेज रहा हूँ, तब तक वो तुम्हारी गिरफ्त से बाहर नहीं निकलना चाहिए। टाइसन के आने तक मैं कैसे भी करके इसे रोक लेती हूँ। जी, इंस्पेक्टर डिसूजा। आइए इंस्पेक्टर। हाँ? सॉरी निशा, मैं अपने फर्ज के कर से मजबूर हूँ। जब तुम चुपके से अपने साथी को फोन कर रही थी, मैंने भी चोरी से अपने साथी को बुला लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथी का इंतजार करूंगा। तुम्हारी तो सिर्फ बातों में दम है, निशा में कितना दम है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे इंस्पेक्टर साहब? जहाँ आपकी कमी है। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम है निशा, जिसका मतलब होता है रात, और रात को कोई कैद नहीं कर सकता।
हेलो, काम हो गया निशा? जी, काम तमाम हो चुका है। गुड, फाइनल सेटलमेंट का पैगाम मिल गया है निशा। कुंदन कार्निवल में ड्रैगन का मास्क पहनकर हमसे मिलने आ रहा है। प्रोजेक्ट एन की फाइल का सौदा उसी वक्त तय हो जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम सर। तुम्हारा कोड वर्ड है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और वो कहेगा येलो रोज। ओके सर। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? येलो रोज। कमाल। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? देश को तुम्हारी जरूरत है। देश? इस देश ने मुझे दिया ही क्या है? इज्जत और गौरव। इन सब से सपने पूरे नहीं होते। जो मिसाल का इजाद तुमने किया है वो बेमिसाल है। इस टेक्नोलॉजी को दुश्मनों के हवाले करके तुम करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। हाँ, अपने सपने पूरे करने के लिए। कुंदन, एक अच्छा काम करने से भगवान 100 पाप भी माफ कर देता है। यही जुमला तुम्हारे एक और साथी ने भी कहा था। मार डाला मैंने उसे। पता नहीं ऊपर वाला अच्छे लोगों को इतनी जल्दी ऊपर क्यों बुला लेता है। Thank you.
गरीब है। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाऊंगा। फाइल हथियारों के बाजार में मुंह मांगी कीमत दिलवाएगी हमें। इसी खुशी में आज शाम एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। लेकिन आज तो मेरे बेटी का जन्मदिन है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी।